नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, सबसे पहले बात करूँ अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड में देख रहे हैं कि 5900 पर ही सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी है। रूपा जी, आपको क्या लगता है कि कैसे सीड का वायदा बाजार यहाँ से अब कुछ उठता हुआ नजर आ सकता है क्या? अभी भी देखिए, अभी भी बाजार निचले स्तरों से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी थोड़ा सा संभला है मार्केट, तो ऊपर में छुटमुट अभी तेजी की तरफ जा सकता है। देखिए, अभी ना तो बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, लेकिन हाँ, डिमांड पिकअप हुई है जिसकी वजह से गिरावट जो है वो थमती हुई नजर आई है। और अभी यहाँ से लगता है कि एक बार 6000 तक, 6000 से लेकर मैक्सिमम 6200 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये जरूर जी देख रहे हैं, बिनौला खल भी 3300 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। आखिरी कारोबारी सप्ताह ने देखा, बीते कारोबारी सप्ताह ने देखा था कि बिनौला खल ने 3400 का लेवल छुआ था, लेकिन वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली है, 3400 के नीचे लुढ़क चुका है और 3300 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की, लगभग 0.25% की गिरावट है। रूपा जी, आपको क्या लगता है क्या बिनौला खल में इस कारोबारी सप्ताह भी 3400 के लेवल टेस्ट होते नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, लेकिन आज अच्छी खासी करेक्शन ऊपरी स्तरों से 0.1% की देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि अगर गिरावट और बढ़ती है तो 3280 तक नीचे लुढ़क सकता है। लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कपास में भी तेजी आ रही है और बिनौला खल में भी लगातार तेजी हमने आते हुए भी देखी है। और अभी जब मार्केट 3000 के ऊपर निकला तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम बना है, तो यहाँ पर 3500 तक का टारगेट एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको जनवरी वायदा में नहीं तो फरवरी वायदा में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जनवरी वायदा एक्सपायरी है, 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो फरवरी वायदा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3500 तक ऊपर में एक बार भाव जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यहीं से भाई बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का जनवरी वायदा 9500 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 9600 के ऊपर का हाई लगा चुका है, लगभग 2% की तेजी है। रूपा जी, देख रहे हैं कि धनिया लगातार तेजी की ओर ही जाता हुआ नजर आ रहा है, 9500 पर ट्रेड करते नजर आ रहा है अभी, आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से धनिया की शॉर्टेज बताई जा रही है, पाइपलाइन पूरी खाली बताई जा रही है और स्टॉक भी कमी बताया जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है क्या धनिया 10000 के भी अगर पार चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी? देखिए, 10000 के सर बिल्कुल संभव है जनवरी वायदा में भी, और इनफैक्ट फरवरी वायदा ऑलरेडी 10000 के ऊपर निकल चुका है। हमने पहले भी बताया था कि धनिया में 9000 के ऊपर जब निकलेगा तो आप देखेंगे एक अच्छी रैली आएगी और वही हमें देखने को भी मिली है। अप्रैल वायदा अगर हम देखें तो 10000 के पार निकल चुका है और जनवरी वायदा जो है वो 9500 के आसपास है, तो इसकी एक्सपायरी जो है हो सकता है आपको 9800-10000 के आसपास देखने को मिले। आज अच्छी रैली है धनिया के अंदर, हर निचले स्तर पर बाइंग किया जा सकता है, ना केवल धनिया बल्कि जीरा और हल्दी, यानी कि सालों में ये साल अच्छा रहने वाला है। और अभी जो फर्स्ट जो इसकी तिमाही है इसके अंदर अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है जनवरी फरवरी और मार्च में, तो ये 3 महीने मसालों में मुझे लगता है कि काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। हल्दी भी आप देखिए 10500 के ऊपर है, यहाँ से अब हल्दी जो है 10800 से 11000 तक के स्तर अप्रैल वायदा छूता हुआ दिखाई दे सकता है। वही जीरे की बात करें तो जीरे में भी 18000 के स्तर मार्च में तो टच हो चुके हैं, लेकिन जनवरी वायदा भी 18000 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल मसालों में एक अच्छी रैली है, मसालों के अंदर निचले स्तर पर बाइंग में रहना चाहिए और मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर में मसाले अच्छा रिटर्न देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, ये सरूपा जी देख रहे हैं कि जीरा और हल्दी भी काफी अच्छी तेजी के साथ है, जैसे आपने बताया कि मसाले फर्स्ट क्वार्टर में अच्छा मुनाफा देते नजर आ सकते हैं, आपकी तरफ से जीरे और हल्दी में अगले क्या लेवल्स रहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हल्दी में भी अचानक से उछाल देखने को मिला है, क्योंकि हल्दी भी हम देख रहे थे कि काफी लंबे समय से नरमी के साथ कारोबार करती नजर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने धनिया और जीरे में उछाल आते देखा तो हल्दी में भी उछाल देखने को मिला है, आपको क्या लगता है हल्दी में क्या नए उच्चतम स्तर देखने को मिल पाएंगे? देखिए, हल्दी में भी ऊपरी स्तर जो है वो एक्सपेक्टेड, अभी जैसे मैंने बताया 11000 तक एक बार एक्सपेक्टेड है, 11000 के ऊपर निकलती है तो 12000 तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकती है। और वही जीरे की बात करें तो 18000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी के बाद जीरा 20000 तक की भी तेजी पकड़ सकता है, यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट डिमांड अच्छे खासे पिकअप होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पर भी डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अगर कोरोना के चलते, ओमिक्रॉन के चलते अगर कुछ पाबंदियां लगती हैं, जैसे कि अभी कुछ कुछ लगनी भी शुरू हो गई है, तो हो सकता है कि एक बार डिमांड फैक्टर जो है वो इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे और छुटपुट गिरावट बनती नजर आए। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो फंडामेंटल है, वो काफी पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कम में देख रहे हैं कि 11100 के ऊपर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है और ग्वार सीड में 6200 के ऊपर।
रूपा जी देख रहे हैं ग्वार का मैं ग्वार सीड आज भी उसी रेंज में ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं जिस रेंज में पहले ट्रेड करते नजर आ रहे थे। आपको क्या लगता है ग्वार गम और ग्वार सीड में तेजी कब तक देखने को मिल पाएगी, ये लेवल कब तक ब्रेक होते हुए नजर आएंगे तेजी वाले? देखिए ऑलरेडी तेजी में ही है मार्केट अखिलेश, आप देखिए अपने हाई पर ही खड़ा है ऑलरेडी मार्केट, 11,000 के ऊपर निकल चुके हैं। ग्वार गम हो या फिर ग्वार सीड की बात करें तो वो भी 6200 के आसपास है। यहाँ पर अब फेब्रुअरी वायदा की हम बात करेंगे क्योंकि जनवरी तो एक्सपायरी के पास है, तो फेब्रुअरी वायदा में आप देखिए इसके अंदर मुझे लगता है कि 13,000 तक ग्वार में गम में तेजी पकड़ी आ सकती है। वहीं अगर सीड की बात करें तो अभी फिलहाल 6500 तक फेब्रुअरी वायदा लग रहा है कि अपसाइड में जा सकता है और हो सकता है आपको जनवरी मंथ के अंदर ही ये तेजी देखने को मिले। जी ये सर पर जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा देख रहे हैं 6400 पर ट्रेड करते नजर आ रहा है। रूपा जी हमने बीते कारोबारी सप्ताह भी देखा था कि सोयाबीन 6400 के लेवल्स टच कर चुकी थी, फिर से सोयाबीन में तेजी देखने को मिली थी, निचले स्तर से बाइंग इनिशिएट हुई थी। यूएस सोयाबीन की बात करें तो यूएस सोयाबीन 1399 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, हालांकि लाल निशान पर है लेकिन जो लेवल है 1399 देखने को मिला है पहले के मुकाबले ज्यादा ही देखने को मिला है। ऐसे में आपको क्या लगता है जैसे कि वैश्विक बाजार में देख रहे हैं कि सोयाबीन में लगातार तेजी है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में जो मौसम है वो खराब बताया जा रहा है कि वहाँ पे हीट वेव फिर से इंपैक्ट करती नज़र आ सकती है सोयाबीन की फसलों को, जिसकी वजह से तो प्रोडक्शन कम रह सकता है। ऐसे में आगे जाके सोयाबीन के लेवल्स क्या रह सकते हैं, क्या सोयाबीन में फिर से तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए अभी जो बाजार बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल की जो तेजी हम जनवरी वायदा में देख रहे हैं वो 6500 तक की, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 6500 तक एक अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे सकता है और इसके बाद अगले वायदा एक्सपायर हो जाएंगे और हाजिर मंडियों में इसका इम्पैक्ट फिर आता हुआ दिखाई देगा और बाजार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करते दिखाई देंगे। विदेशी बाजारों का जरूर असर आता हुआ दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक मार्केट पर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार संभले हुए हैं और 6400 मैक्सिमम एक बार अपसाइड लग रहा है कि यहाँ से देखने को सकता है, यानी कि करंट भाव से मान के चलिए 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये सिर्फ जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हमने देखा है कि कॉटन की जो एक्सपोर्ट है यानी कॉटन का जो निर्यात है उसमें थोड़ी गिरावट बनती नजर आई है। खबरें निकल के सामने है कि जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा प्रीमियम की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉटन के जो एक्सपोर्ट है ज़्यादा कीमतें होने की वजह से तो उसमें थोड़ी गिरावट बनती नजर आई है। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा ही आगे चलता रहा तो क्या कॉटन में आगे जाके कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल पाएगी, क्योंकि हम देख रहे थे प्रोडक्शन कम है और एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी थी जिसकी वजह से डिमांड उठी थी और कीमतें भी उठी थी, तो अगर ऐसे में एक्सपोर्ट डिमांड में गिरावट आती है तो क्या हाजिर और वायदा में भी गिरावट देखने को मिल पाएगी? देखिए अभी फिलहाल देखिए छूटमूट गिरावट जरूर एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकती है क्योंकि लगातार तेजी दिखा रही है और कॉटन का इस बार एक्सपेक्टेड भी था कि प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। हाजिर के अंदर भी अगर हम कपास की कीमतों की बात करें तो 11,000 के ऊपर निकल चुकी हैं और बाजारों में एक अच्छा खासा अपसाइड बना है जिससे फार्मर्स भी काफी अट्रैक्टिव हुए हैं इस फसल की तरफ और काफी लंबे समय के बाद कपास में इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली है क्योंकि इस बार प्रोडक्शन काफी इंपैक्ट हुआ है और जो फसल हुई है वो भी काफी खराब निकली है, क्वालिटी यानी कि यूं कहे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से जो अच्छी किस्म की कपास है उसके प्राइजेस ऊपर जाते हुए दिखाई दिए हैं, तो सीधा सा असर जो है वो उत्पादन कम होने के चलते मांग ज्यादा होने की वजह से कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कीमतों में तेजी है और कपास का बताया जा रहा है कि कपास निगम के पास भी अभी फिलहाल कोई बहुत ज्यादा स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है और आगे चलकर भी कीमतों को सपोर्ट रहने की ही उम्मीद है और मुझे लगता है कि आगे चलकर भी अभी प्राइजेस जो है ये वाला महीना जनवरी एंड फरवरी ये दो मंथ्स अभी भी कपास में तेजी वाले रह सकते हैं, लेकिन जिनके पास अभी भी माल रखा हुआ है वो धीरे धीरे लिक्विडेट भी करें क्योंकि ऑलरेडी प्राइजेस काफी ऊपर आ चुके हैं, लगभग पिछले साल के मुकाबले दोगुना देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में आगे चलकर कीमतों में तेजी बनी रह सकती है और ये अपसाइड कॉन्टिन्यूशन में अभी फिलहाल मुझे लगता है कि 15 दिन से लेकर 1 महीने तक ये तेजी कॉन्टिन्यूशन रह सकती है। जी रूपा जी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनमें से एक हैं रूपा राम गोडारा जी जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं बिनौला खल किस लेवल पर खरीदारी में रहना चाहिए बिनौला खल के अंदर अगर नई पोजीशन बनानी है तो? देखिए नई पोजीशन बनानी है तो अभी थोड़ा सा वेट करें, ऑलरेडी मार्केट ऊपर आ चुका है, अगर आपको 3200 के घरों में मिलता है तो वहां पर आप फ्रेश एंट्री लेकर चल सकते हैं। जी रूपा जी दर्शक हैं सोगू साहूकार जी जिनका सवाल तुअर दाल को लेकर आ रहा है, ये तुअर दाल के बारे में जानना चाह रहे हैं। रूपा जी हमने देखा है कि हाल ही में सरकार ने
जो दालों का आयात है वो बढ़ा दिया है। दालों के आयात में हम देख रहे हैं कि तेजी देखने को मिल रही है। दालों का आयात पहले से तो हो ही रहा है, बाकी बाकी देशों में भी अभी और बात कर रही है सरकार। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे जाके दालों में ऐसी गिरावट रहने वाली है? देखिए, अक्सर दालों में हमने जब भी डिस्कस किया तो अखिलेश मैंने यही बोला है कि दालों में अब दबाव बना रह सकता है। और अब जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी फ्री दालें आ रही हैं और उसका भी इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो तुअर दाल की अगर स्पेशली बात करें तो अभी जो है उसके इम्पोर्ट में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। दिसंबर के महीने में सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी देने का असर सीधा सीधा दालों की कीमतों पर पड़ा है। और देखा जाए तो 31 दिसंबर 2021 तक 5,00,000 टन से ज्यादा दाल इंपोर्ट हो चुकी है। वहीं माना यह जा रहा है कि मार्च 2022 तक दालों का इंपोर्ट 6,50,000 टन तक पहुंच सकता है। इंपोर्ट बढ़ने से बाजार में जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं स्थिर होती दिखाई देंगी या फिर यूं कहें कि गिरावट की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल इसमें तेजी की कोई उम्मीद बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक हैं जो सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि मंडियों में सरसों तो बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है, लगभग है ही नहीं। और फसल आई, अगर नई आवकी की बात करें तो वो भी मार्च के शुरुआत में ही देखने को मिलेगी। अभी जनवरी का मध्य हुआ है, मिड जनवरी में है हम, अभी फरवरी पड़ा है पूरा, यानी 1.5 महीना भी बाकी है। तो ऐसे में क्या सरसों में अभी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, अराइवल नहीं है मंडियों में, माल नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत बाजार ऊपरी सतह पर सस्टेन कर सकता है और बाजारों में एक तेजी बनी रह सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। 1-1.5 महीना हो सकता है कि मार्केट जो है वो सस्टेन रहे इन्हीं लेवल्स के ऊपर, और छुटमुट अपसाइड में जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से बहुत ज्यादा हम तेजी की उम्मीद नहीं कर रहे। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक हैं जो मूंगफली के बारे में जानना चाह रहे हैं, मूंगफली का बाजार आगे जाके कैसे रहेगा, मूंगफली के बाजार में आगे तेजी रहेगी या मंदी? देखिए, जहां तक मूंगफली की बात है, अभी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आगे अभी मूंगफली की जो है विंटर सीजन की एक डिमांड की वजह से कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ये तेजी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस बार भी भाव जो है वो सुस्ती के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और माना ये जा रहा है कि आगे चलकर भी मुझे लगता है कि कीमतों में दबाव ही बना रह सकता है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ, तेजी भी फिलहाल इन स्तरों पर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल ग्वार सीड को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं। सोमवीर सिंह जी हैं जिनका सवाल ग्वार सीड को है, ये लेकर है, ये जानना चाह रहे हैं ग्वार सीड कितने दिनों में 6500 हो जाएगा? देखिए, हो सकता है कि 6500 की तेजी जो है आपको 1-2 हफ्ते में देखने को मिल सकती है। ऐसे एक्सपेक्टेड है कि ये तेजी बन सकती है 1-2 हफ्ते के अंदर। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं सादिक मोमिन जी जिनका सवाल रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ में बाइंग करना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से तो फिलहाल बाइंग नहीं लेना चाहिए इन स्तरों पर, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखती है। छुटमुट तेजी के लिए अगर आप चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन हाजिर में फिलहाल इन स्तरों पर बाइंग नहीं करना चाहिए। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप हफ्ते के पहले कारोबार दिन जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अभी भी मसालों के अंदर और बिनोला खल के अंदर तेजी का रुझान है। इसके अंदर आप बाइंग करके चलिए, आने वाले दिनों में अच्छी रैली बन सकती है। धनिया जो है वो 10,000 के पार जा सकता है जनवरी वायदा, और अप्रैल वायदा की बात करें तो वो 11,200 तक की तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बिनोला खल 3500 के स्तर के लिए बाइंग किया जा सकता है, और हल्दी में भी बाइंग करके चला जा सकता है, जीरे में भी बाइंग किया जा सकता है। ये सभी कमोडिटीज जो है आप को एक दिन की इंट्राडे की स्ट्रेटेजी नहीं है, जिस दिन गिरावट आए उस दिन आप बाइंग कीजिए और थोड़ा सा इसमें आउटलुक लंबा रखिए, 15-20 दिन आपको एक अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे वो रूपा जी द्वारा दिए गए एग्री कमोडिटी बाजार के टॉपिक्स जिनमें आप खरीदारी में रह सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।